हेलो, आज उदयपुर में दिन की शुरुआत नाश्ते से हो रही है। इस समय मैं जगदीश टेंपल के पास ही हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ। दुकान का नाम है अरोड़ा स्वीट्स। ये रोड आप जो देख रहे हैं सामने, यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे तो घंटाघर होते हुए हाथीपोल पहुँच जाएंगे। हाथीपोल यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। तो टूरिस्ट जनरली, क्योंकि ये मेन हार्ट ऑफ द सिटी है, तो वॉक करते करते शॉपिंग भी करते हैं और घूमते हैं। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए उदयपुर की टॉप 3 टूरिस्ट मार्केट में से एक बाजार है। जहाँ पर मैं भी आया हूँ ना, ये जगह व्रत की फूड आइटम्स के लिए ज़्यादा फेमस है। फलाहार होता ना, तो अभी मैंने अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी ली है और साथ में आलू भी लिया। मेरे को किसी ने बोला है कि ये शॉप ना काफ़ी पुरानी है, लोकल जो उदयपुर के लोग हैं वैसे व्रत के समय तो आते ही हैं यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज भी यहाँ से निकल रहे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नमकीन अपने घर में ले जाते हैं। अभी मैंने देखा था यहाँ अपने राजगिरा के पकोड़े भी हैं, वो भी लोग बड़े शौक से दे देते। पार्सल ज़्यादा लोग कराने के, खाने के यहाँ पर कोई सीटिंग स्पेस तो है नहीं, तो लोग बात पार्सल करा के ले जाते हैं। साबूदाना खिचड़ी खा ली साथ में, ये आलू की सब्जी खा ली ट्राई, लवली ब्रेकफास्ट। जगदीश टेम्पल से लगभग 3.5 किलोमीटर्स का सफ़र करके न्यू फतेहपुरा एरिया में आए हैं। 56 भोग रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोग लंच कर रहे हैं। मेरे साथ सुबह जी हैं, नमस्ते, इस रेस्टोरेंट की ओनर। अब देखो, हम यहाँ पे ना राजस्थानी थाली खा रहे हैं। वैसे तो एक सेक्शन इनका अंदर की तरफ है, जहाँ नीचे बैठ के ये लोग सर्व करते हैं, लेकिन अभी मेरा घुटने की तकलीफ़ है ना, बेहाल में सर्जरी हुई है, तो मैं यहाँ टेबल पर बैठ के खा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ मक्के का पापड़ बहुत चलता है ना? बहुत चलता है यहाँ पे। ये जो अपने अनाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मक्का, बाजरा, मोठ, ये सब चीज़। कल मैंने डबालॉजी में मक्के का पापड़ को वो लहसुन चटनी के साथ खाया था। हाँ, वो स्वादिष्ट था। ये राव, ये खट्टी चाच और मक्के के दलिए से बनी हुई है, इसमें जीरा वगैरह पड़ा हुआ है, हींग पड़ी हुई है, पेट के लिए बहुत सही है। अच्छा, सर्दियों में जैसे आप सिर्फ एक कप लो, रात में पी लो, सूप के लिए बेस्ट है, वेट लॉस के लिए। अच्छा, ये गुलाब की खीर है, ये जो हम गुलाब जल लेते हैं वो यहाँ पास हल्दी घाटी से ही लेते हैं, तो इसका ट्रेडिशनल टेस्ट है ये गुड़ पारा। फैंटास्टिक। ये जिसको मैंने बताया था आपको, मक्के के मक्के का आटा और खट्टी छाछ से बनती। अच्छा। हाँ। ये क्या चीज़ है? ये गट्टा कड़ी, ये कड़ी में गट्टे डाले गए हैं, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है। तो ये आलू की सब्जी है ना? आलू प्याज जो अपने हमने थोड़ा थोड़ा लिया है, जैसे चित्तौड़ के हमने कभी कभी चित्तौड़ के वो कौन सी सब्जी थी? तो ये आलू की सब्जी है, ये भी दही में बनाते हैं? ये भी दही इसमें डालते हैं, लेकिन ये जो अपने जयपुर की फेमस है ना, बेजड़ की रोटी और आलू प्याज की सब्जी महावीर जी की, उस टाइप की है ये। मतलब थोड़ा थोड़ा राजस्थान प्रेजेंट करा, जैसे केर सांगरी अपनी मारवाड़ की आ गई। अच्छा, वाह, केर सांगरी, ये लहसुन की चटनी, ये लहसुन चटनी, बाजरा और मक्के की रोटी, घी डाल। इस एरिया में मकई का तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है ना, मक्का, बाजरा, मोठ, लहसुन चटनी, फैंटास्टिक। ये भी हमारा सर, तीन तीन स्वीट दे दिया आपने सर, ऐसा है, एक दो तीन चार है, दो इधर की है, दो उधर की है, तो मैंने मिक्स कराया आपको। बट वैसे हमें कराया, नॉर्मली भी होती हैं? नहीं, नॉर्मली नहीं होती, नॉर्मली ये दो जो स्वीट है, खीर और गुलाब जामुन इधर रहता है, और गुड़पारा और ये अपना उधर रहता है, और दिलजानी जो है वो उधर रहता है ट्रेडिशनल में। तो दिलजानी है आपके पास? हाँ, मैं दूंगी आपको। बताओ, दिलजानी मेरे को 2 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगा खाने को? इस बार बारिश का मौसम है ना, तो बनाते नहीं, मैंने स्पेशल बनाई है, वो टेस्ट तो नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आप क्लोज पहुँचे होंगे थोड़ा बहुत। ये क्या है? घी, ओह फैंटास्टिक।
ये पांच दाल मिला के बना रहे हैं। हाँ, ये बाटी के साथ यही अच्छी लगती है। वैसे जो केर सांगरी है ये जोधपुर जैसलमेर में ज्यादा चलती है ना? हाँ, ज्यादा चलन इसका वहाँ पर है। मैंने आपसे कहा कि जो खाना है वो कुजीन है, शौहरत है यहाँ की, मेवाड़ की फेमस है, खाना मारवाड़ का फेमस है, ये मारवाड़ी है। इसमें जो हल्की हल्की खटास होती है, हाँ, ये काचरी की होती है? ये काचरी पाउडर की भी होती है, और कुछ आपने छाछ में बताया ना, खट्टी छाछ चलती रहती है हमारी, तो खट्टी छाछ। मैं वही देख रहा हूँ, राबोड़ी जो है लाइट ऑन स्टमक है। हाँ, ये और ये ऊपर से थोड़ा घी ऐड करने से अच्छा अच्छा स्वाद आ गया। अच्छा, वो तो आप डलवा कम रहे हो, हम तो राजस्थान में आए हो तो घी के बना। आजकल मेरा वेट पे ना बड़ा फोकस है। वैसे सर एक बात बताऊँ आपको, गाय के घी से फैट नहीं बढ़ता, आपकी वॉकिंग कितनी है? मेरा माइंड सेट है ना, और कुछ नहीं है, रियलिटी में नहीं होता होगा लेकिन अपने को ऐसा लग रहा है। तो गजब है, जीरा डालो। वो मैं देख रहा हूँ कि जीरा डल जाए तो और अच्छा हो जाएगा ना। जीरा डालो, फुल ऑन नाश्ता है, मतलब जैसे सुबह लोग ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। हाँ, तो आप खा लो, आप खा लो। तो अब जैसे ये गट्टे की सब्जी है, तो बेसन इसकी करी में है और बेसन थिक है, और ये गट्टे हैं इसका अलग स्वाद है, इसका अलग स्वाद, और जो बेसन से बने। हाँ, पानी में बॉईल करते हैं ना इसको? हाँ, बॉईल करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में ना, या जनरली पूरे कंट्री में ही आलू की सब्जी बहुत कॉमन है, घर घर में बनती है। लेकिन कल मैंने हल्दी घाटी में जो म्यूजियम में आलू की सब्जी खाई ना, वो डिफरेंट धमाल थी, मतलब मेरे को ये देख के उसकी याद आ गई। और मैंने वहाँ भी नोटिस किया, यहाँ भी कर रहा हूँ, कि कसूरी मेथी का बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है। मैंने पहले भी डिशेज में देखा कसूरी मेथी बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल है। तो इसमें दही भी इस्तेमाल हो रहा है? थोड़ा सा डालते हैं, दही डालते हैं, लौंग पिसी हुई डालते हैं। अरे एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ओवरऑल फूड इज लाइट ऑन स्टमक। मैंने हैवीनेस नहीं है, शुरू में ही बोला मैंने कि आपको हैवी नहीं लगेगा। मेरे भी एक बार भी लगा था लेकिन लाइट ऑन स्टमक है। ये चलन बड़ा यहाँ पे ना इस एरिया में कि पांच दालें मिला के बनाएंगे, सिंगल दाल नहीं बनाएंगे। वो सोचते हैं ना कि एक बाटी ले रहे हैं, एक दाल ले रहे हैं, सब्जी वब्जी ज़्यादा, मतलब वैरायटी नहीं होती। एक दाल बाटी खानी है तो सारी दालें डाल लो, थोड़ी थिक बनाओ तो बाटी आराम से एब्जॉर्ब कर ले खाए। इसलिए यहाँ थिक चीज़ ज़्यादा चलती है, क्योंकि यहाँ मोटे अनाज ज़्यादा चलते हैं, जैसे मक्का बाजरा। तो अगर आप पतली के साथ खाओगे तो उसमें सिर्फ आटे का ही टेस्ट आएगा। पॉइंट है, अच्छा स्वाद है। अभी मैं दो दिन पहले ना यहाँ पर मैंने उदयपुर में खाया, जिन्होंने कंडे पे बनाया था बाटी। हाँ, को पूरा हाँ, टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है ना। एक बात दो, मैं स्वादिष्ट तो सब कुछ है लेकिन ये टॉप पे है, ये टॉप पे है, इसको पहले खाना चाहिए तो थोड़ा है। अगली बार मैं आऊंगा ना तो सबसे पहले खिचड़ी खाऊंगा, खिचड़ी खाया ना, बाकी सब बाद में। दिल जानी बताइए एक बार, ये क्या है? सिर्फ आपको उदयपुर में ही मिलेगी, और ये जो है एक ही लोग बनाते हैं, शॉप जिनकी है उस तक हमने पहुँचने की कोशिश करी है। पर इसमें ये होता है बेसन की बूंदी, उड़द की दाल की बूंदी, गुलाब जामुन, और इसको तीन चार तरीके से खट्टा और नमकीन टेस्ट, मतलब मीठा और नमकीन टेस्ट दिया जाता है, सॉरी खट्टा नहीं, ड्राई फ्रूट डला हुआ है, बेसन का चूरा डला हुआ है। तो नमकीन टेस्ट कैसे आएगा इसमें? इसमें बेसन की सेब नीचे सबसे पहले वो डली हुई है, ड्राई फ्रूट डला हुआ है। कमाल है, मतलब मीठी आइटम में नीचे बेसन की सेब। हाँ, और ये अपने को उदयपुर के बाहर कहीं नहीं मिलेगी? उदयपुर के बाहर कहीं नहीं मिलेगी, उदयपुर में भी सिर्फ एक महीने के लिए या 15 दिन के लिए मिलेगी। अच्छा, कल मैंने JMB को कॉल किया था, एक शॉप है ना मिठाई का, तो उनको बोला था हमको दिल जानी खाना है, अभी अभी ऐसा रेगुलर नहीं बनती, कोई टाइम नहीं है उसका, लेकिन 2 घंटे पहले बताओगे तो बता देंगे। आज तक ना मैंने कोई ऐसी स्वीट डिश नहीं खाई जिसमें नमकीन एलिमेंट हो। अब जैसे और लोग हैं कुछ किसी तरीके से बनाते हैं, किसी तरीके से, मुझे जो मतलब मैंने आपको शास्त्री जी बताया ना, वो फूड में भी थे, उसमें भी थे, उन्होंने कहा अगर टेस्ट इन्हेंस करना है तो इसमें बेटा बेसन का सेव मिला दो। अच्छा, ओरिजिनल में बेसन सेव नहीं रहता? हाँ, ओरिजिनल में नहीं रहता, पर
कुछ घरों में, जैसे कुछ घरों में अपने अपने हल्की अपनी रेसिपीज होती है ना, हाँ, तो उस तरीके से थोड़ा मोल्ड कर दिया उसको, मोल्ड करके। इंटरेस्टिंग। तो हमने भी तीन चार तरीके से कही, हमको ये चीज ज्यादा अच्छी लगी। दो किस्म की बूंदी, गुलाब जामुन, सेव, मावा, बेसन का चूरा, ड्राई फ्रूट्स। खाना मेरे को बहुत पसंद आया, नो डाउट। उदय सिंह के बदले में कुछ भी ले ले मन भाया। अरे दुष्ट, तू स्वामी भक्ति की परिभाषा क्या जाने? मिट्टी पर मर मिट जाने की भाषा क्या पहचाने? चाहे शीश भले कट जाए, हंसकर वरण करूंगी, मरते दम तक भी, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगी। शाम को जिस हिसाब से 6:30 बजे के आसपास बारिश हो रही थी ना, मुझे लग रहा था कि लाइट एंड साउंड शो नहीं होगा, लेकिन बाद में बरसात थम गई और शो हो गया। 300 रुपये पर पर्सन हमने टिकट निकाली और वहाँ पर ऊपर बैठ के हमने लाइट एंड साउंड शो देखा। 1 घंटे का ये प्रोग्राम था, 7:30 से 8:30। इस समय इंग्लिश का शो नहीं हो रहा। इन्फॉर्मेशन को अगर मैं ध्यान रख के बात करूँगा तो शो काफ़ी अच्छा था। 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी से कैसे वो पूरा इतिहास चला उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। बाकी जैसे आज की तारीख में हम इंडिया में जगह जगह ट्रैवल करते हैं और लाइट एंड साउंड शो देखते हैं ना, किस हिसाब से उनको डिलीवर किया जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। बाकी जब आप आएंगे तो आप भी देखिएगा, एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऑथेंटिक सोर्स से पता चल जाएगी कि कैसे हुआ और जो महाराणा हुए हैं समय समय पर उन्होंने क्या क्या काम करे देश के लिए, मतलब मेवाड़ के लिए, और उनके की अचीवमेंट्स क्या थी। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड कि मैं यहाँ पे आया और मेरा मन भी था आने का। चलिए अब चलते हैं। मैं अगले 5 से 10 मिनट में डिसाइड करता हूँ कि डिनर मैं होटल पहुँच के करूँ या किसी रेस्टोरेंट में जाके करूँ। हमारे होटल के बगल में ना गार्डन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम डिनर करने के लिए आए हैं। अभी जब तक बाकी चीज़ आ रही है, उन्होंने मेरे को दाल बाटी दे दिया है, ठीक है। ये रेस्टोरेंट में क्या है, लहसुन और प्याज के बिना ये लोग थाली सर्व करते हैं जहाँ हम बैठे हैं ना। इस समय लाइट डिम है तो हो सकता है उतना अच्छे आपको विजुअल्स ना दिखाई दे रहे हों। दाल बाटी हो गया, साथ में कचौड़ी और कड़ी आप दे दीजिए। क्या क्या है? लोबिया, कढ़ाई पनीर, वेरी गुड। बेसन गट्टा, तो ये प्योर राजस्थानी नहीं कह सकते, थोड़ा मिक्स मिक्स में। लोबिया, आलू गोभी, ये बाटी जो इन्होंने दी है ना, एक्चुअली में मसाला बाटी है, अजवाइन, जीरा, सौंफ इस बाटी में मिक्स है। गट्टे की सब्जी ना राजस्थान में इतनी कॉमन है कि आप ये मिस नहीं कर सकते। खाना खाते हुए ना मैं 2-3 चीज़ें समझ गया हूँ। फूड इज़ लाइट ऑन स्टमक, फ्रेश, और प्याज लहसुन नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया। तो कुल मिला के मेरे को पसंद आ रहा है। यहाँ पर देखो थाली सिस्टम है, 300 रुपीज़ पर थाली का रेट है वेजिटेरियन। अगर आपको नॉन वेज खाना है और आला गार्ड चाहिए तो बाहर ओपन में रेस्टोरेंट है। दिन के समय आओ तो यहाँ पर ना विंटेज कार म्यूजियम भी है, भी देख सकते हैं। 400 रुपया पर पर्सन एंट्री टिकट है विंटेज कार म्यूजियम देखने के लिए। अभी तक मैंने जो जो खाया ना, सबसे बढ़िया टेस्ट कड़ी का है, बाकी सब तो अच्छा है लेकिन कड़ी रॉक्स बेहतरीन। अब मैंने आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, कल हमको चित्तौड़गढ़ जाना है, तो अब अगला एपिसोड आप चित्तौड़गढ़ का देखोगे, वहाँ हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं।
हमारा होटल यहाँ से बगल में ही है, बगल मतलब मुश्किल से 50 मीटर के डिस्टेंस पर है, राइट? बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।